नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर उन्नाव से। फतेहपुर जनपद के देवमई ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख कुश वर्मा द्वारा किसानों के सम्मान में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर एवं हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। इसमें प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख कुश वर्मा, अंजनी राणा, इजहार उद्दीन, साहिल राइन, सरकार आलम, विवेक कुमार, विकास वर्मा, वरिष्ठ कार्यकर्ता पूर्व प्रधान कामता यादव, ठाकुर प्रसाद तिवारी, सुशील तिवारी, विजयपाल यादव, संजय यादव, असलम खान, अरशद खान, लंबरदार एवं हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। यह रैली देवमई ब्लॉक से सुजावलपुर भेसौली मुसाफा होते हुए बकेवर पहुंची। कई जगहों पर पुलिस ने रोका, जिसके कारण रैली का समापन करना पड़ा। इस किसान रैली में मौजूद किसानों व पत्रकारों को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। ये आंदोलन किसानों के हक के लिए है और इससे जो तीन काले कानून जो केंद्र की सरकार ने बनाया है उसके विरोध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर तथा समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम जी के निर्देश पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम तत्काल संपन्न हुआ। इसमें व्यवधान पुलिस ने डाला, पुलिस ने लोकतंत्र की हत्या की है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारा संवैधानिक अधिकार है किसी चीज का विरोध करना। हमारे विरोध करने के अधिकार को यहाँ के पुलिस प्रशासन ने इस योगी के कहने पर, यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पर यह आंदोलन को रुकाया है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहकर के आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा तैयार रहिए, आगे और विषम परिस्थिति आने वाली है। आप लोगों को संघर्ष के लिए तैयार रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। आगे की बारे में क्या सोचा आपने? आज रोक दिया गया है, आज हमारे कई गाड़ियों का चालान कर दिया गया है। कई ऐसे ट्रैक्टर हैं जो थाने में खड़े हैं, देवमई चौकी में कई ट्रैक्टर खड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी जो किसानों का आक्रोश है जो सरकार पर, आज वो निकल कर सड़कों पर आपको देखने को मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो ये कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम से किसानों में जो एक संदेश गया है कि नहीं, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए समाजवादी पार्टी खड़ी है। और समाजवादी पार्टी किसानों के हित में लगातार काम कर रही थी, काम कर रही है, आगे सरकार बनेगी तो काम करेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो आगे का जो भी निर्देश माननीय अध्यक्ष जी से प्राप्त होगा वो हम लोग उस पर जो है अमल करेंगे और उसको लगातार करते रहेंगे। जय जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारत माता की, भारत माता की, कुश वर्मा जिंदाबाद, 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 कुश वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान आंदोलन किसान आंदोलन रुकेगा नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, चाहे जितना बड़ा संघर्ष करना पड़े किसानों को। किसान आज रूपये की दरार पर है और लोग पुलिस के जवान वो अपने परिवार से खुश हैं। उन किसानों की बसर, उन परिवारों की बसर नहीं होगी, इसलिए बहुत सोच समझ कर ये समाजवादी पार्टी किसानों के एक समस्या लेकर आगे बढ़ रही है। इसमें एक भी कोई इस तरीके का नहीं है, सारे के सारे लोग किसान हैं, समझदार हैं, गंभीर हैं। मेरे जैसे लोग हो क्योंकि इनकी अगुवाई में काम कर रहे थे। ये समाजवादी किसानों का आंदोलन कैसा होता है, परंतु चलो ये भी आगे और लड़ाई। इन्हीं शब्दों के साथ अपने पत्रकार बंधुओं को और जो आए हुए हमारे साथी हैं, नौजवान हैं, विद्यालय सुबह से निकले थे, खाना भी नहीं खाया, चाय भी नहीं पिया, वो कह रहे थे किसान कि आप चाय को देखा हम अपनी रोटी रोटी को देख रहे। इसलिए सरकार बहुत सोच समझ कर कदम बढ़ाए जाए और अभी संघर्ष बाकी है, अभी संघर्ष चलेगा।
इन्हीं शब्दों के साथ अपने सभी साथियों का, पत्रकारों का और खासतौर आदरणीय प्रमुख जी का, जिनके नेतृत्व में किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात निवेदन करूंगा, उन्नाव ब्यूरो चीफ अवधेश कुमार के साथ तहसील मियागंज संवाददाता रिजवान अहमद की खास रिपोर्ट।